राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीमेंट या रसोई एंड ब्लॉग्स में। और बहुत गर्मी लग रहा है और गर्मी के बाद आ गया है बारिश। आ हा हा हा, पूरा तेज बारिश है, पूरा तेज बारिश है। और पतिदेव अभी नहीं आए हैं ड्यूटी से और उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और टाइम कह रहा है 4:30 मेरा घड़ी में। और हम खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि अमित रहता है तो अमित के साथ खाना खा लेते हैं। हर्षित का कोई टाइम टेबल नहीं रहता, वो कभी भी खाते हैं। तो पतिदेव का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ खाना में बनाए हैं दाल चोखा चावल। बहुत सिंपल सा खाना बनाया है, दाल चोखा चावल, क्योंकि सब्जी ज़्यादा हम और अमित खाते हैं तो अमित नहीं है। और अमित जल चढ़ा लिया है सुबह के 9 बजे, बहुत फास्ट जल चढ़ाया, 2 दिन के अंदर जल चढ़ा दिया है, मतलब 2 दिन के बाद, 2 दिन पैदल चला है, मतलब 1 दिन 50 किलोमीटर चला बच्चा मेरा, 1 दिन 50 और 1 दिन 65, हाँ 1 दिन 65 किलोमीटर और 1 दिन 50 किलोमीटर, बहुत चला बच्चा मेरा। उसका थोड़ा सा पैर में भी दर्द हो गया था पर फिर भी चला, बोले दवा खा लो, रेस्ट नहीं लिया, मतलब बहुत ज़्यादा चला। पिछला बार 3 दिन 4th दिन जल डाला था और इस बार 3रा दिन ही जल डाल लिया है। तो जल डाल लिया है, खाना भी खा लिया है और अभी बात नहीं हो पाया है क्योंकि थोड़ा सा वो भी मतलब होता है ना, बाहर कहीं जाने पे बार बार कॉल और कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, इसलिए तो जब जब वो कॉल कर रहा है तो बात कर लेना, कभी कभी हम भी लगा ले रहे हैं पर नेटवर्क इशू थोड़ा सा चल रहा है। तो बस पतिदेव का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि बारिश भी हो गया है तो थोड़ा लेट से ही आएंगे, बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, बहुत तेज़। तो जा रहे हैं हम खाना खा लेने के लिए। ब्लॉग पे बने रहिए, ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। रात में अमित ट्रेन चढ़ेगा, कल आएगा प्रसाद, अमित लेकर आएगा प्रसाद, तो आप सभी भी खाइएगा प्रसाद, वहाँ का पेड़ा बड़ा मस्त लगता है। ब्लॉग में बने रहिए। खाना वाना हम लोग का हो गया है, हर्षित को बोल रहे हैं शाम देने तो नहीं दे रहा है, कैसा बाल लग रहा है और इतना सारा मेरा कपड़ा बिखरा हुआ है, सारा मोड़ना है, पता नहीं क्या कर रहा है। तुम भींगा हुआ का है रे, क्यों बस देखना तो चढ़े में जान के। ओहो क्या या ये देखो, हम बाहर से उठा के लाए हैं। अरे जान रहा हुआ ना। और बारिश अभी हो ही रहा है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है पर बारिश हो ही रहा है। लाइट कट गया है, बर्तन नहीं धोए हैं क्योंकि अमित का बार बार फोन आ रहा है इसी कारण से। और यहाँ पे पतिदेव लेके आए हैं नींबू और ये आम मैदा और ये है टमाटर, इसमें से 2 आम हम लोग खा भी लिए, 2 क्या 3 खा लिए। लाइट जल गया और इतना सारा बिखरा हुआ है। मिस्त्री लोग के लिए चाय बनाए थे, गंदा हो गया गैस, इतना सारा बर्तन, तो चले फटाफट धोने के लिए फटाफट। और पति देव लग रहा है छत पे गए हैं पता नहीं क्यों। चलिए ब्लॉग में बने रहिए फटाफट फटाफट। सारा सूख जाएगा तब इसको रख देंगे, इतना सारा बर्तन था, किचन एकदम साफ,
ये कप है सारा रखना है। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और मोबाइल मेरा डिस्चार्ज है, मतलब 3-4% है, तो जा रहे हैं इसको चार्ज लगाने के लिए। और आज बाल वगैरह नहीं झाड़े हैं, क्योंकि सुबह भी आज माथा दर्द दे रहा था इसलिए। तो बस ब्लॉग पे बने रहिए, आज अमित आएगा। अभी टाइम क्या हो रहा है? 10:30, 10:30। और हर्षित, अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि अमित ट्रेन पकड़ लिया है आने के लिए, तो वो लगभग 2 बजे पहुंचेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं सो जाते हैं, उसी टाइम पे उठेंगे और उसके पापा लाने जाएंगे। हर्षित इसका कोई काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई सब चौपट है। और पति देव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको पूरा नहीं दिखाएंगे, आप पूरा दिखाने लायक रहते ही नहीं है, ठीक ना? ये कर रहे हैं प्रसाद देने के लिए तैयारी। ये चाबी रखा हुआ है उड़ने के लिए, ये सारा पुलोथी से पुलोथी निकाल, वैसे खरीद के आया है प्लास्टिक। और पतिदेव जो दूध वगैरह आता है, सब्जी आता है, उसमें से ये चुन चुन के मोड़ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टेंशन कम हुआ, और अमित को सीट भी मिल गया है। तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, माँ को टेंशन होता है। तो चले अब सो जाते हैं, आप सभी को राधे राधे, सुबह मिलते हैं। राधे राधे, अभी टाइम का हो रहा है 1:45 तो हो रहा है इस घड़ी में, इस घड़ी में 1:41 हो रहा है। और अमित आने वाला है, एक दो स्टेशन अभी पीछे है बस, मतलब पहुंचने वाला है। तो पतिदेव जा रहे हैं लाने के लिए, तो गए हैं अभी बाथरूम, फिर फ्रेश होने के लिए गए हैं, फिर जाएंगे। और अभी जस्ट अभी आँख लगा था और पतिदेव उठा कि देखो गाड़ी कहाँ है, तो देखे तो गाड़ी धनबाद आ गई थी। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, अमित आ रहा है, नींद बहुत जोर से आ रहा है, पर ये अजीब से बीचों बीच वाला टाइम है, इस टाइम पे ही नींद आता है। अमित का वेट कर रहे हैं, 2:15 हो गया मेरा घड़ी में, पति तो हो गए हैं लाने, अभी तक आए नहीं। वैसे उसका ट्रेन आ गया है यहाँ पे जो वेयर इज ट्रेन होता है उसी में बता रहा है कि ट्रेन तो यहाँ से क्रॉस कर चुकी है, 2 स्टेशन आगे भी चली गई है, पर अभी तक आया नहीं। वैसे थोड़ा सा दूरी पे है इसलिए अकेले बाहर खड़ा होने में भी अजीब सा लग रहा है। बारिश हुआ है और हवा चल रहा है, अभी बारिश हो नहीं रहा है, बारिश हुआ है, सोच रहे बाहर जाए नहीं जाए, बाहर जाए नहीं जाए। आगे 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 आ रहे, मेरा बेटा सोना, नमस्कार, जय बाबा भोलेनाथ, जय भोलेनाथ जी, मेरा लाल किसन हो गया रे, काले हो गए यार, भींगल पे। अरे ठीक है बेटा, चलो भगवान भगवान भला करे इसका, भगवान भला करे इसका, बढ़िया बस बढ़िया। टांगल है चाबी, अरे अरे अरे, हाय रे मेरा बच्चा, क्या बच्चा, ठीक तो है, कैसन मुंह हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि मम्मी का बेटा है,
आ जाओ बच्चा का मेरा कोई पैर धो दे बेटा, नहीं धोएंगे नहीं धोएंगे, मेरा बेटा तीरथ करके आया है, आ जा। कल फूल गया है, कल फूला नहीं, पूछो नहीं, बहुत गंदा झोला है, बाहर रखिए वो रख देगा, सब पेड़ा खोल खोल के भले हाथ धो के रख दीजिए, झोला नहीं रखेगा। तू ही रख दो ना, तो हम गंदा सोचते फिर कुछ नहीं खाएगा, नहीं जरूरत नहीं, भूख नहीं लगा है, पता नहीं खा लो खा लो, भाई पता है मुझे गजब हुआ, क्या आंख जो लगा ना, हाँ हम धनबाद पहुंचे, हाँ और ना एक लेडीज थी बगल में, हाँ उन्हीं को उठा के बैठा था, हाँ तो धनबाद में लग रहा खाली हुआ सीट, हाँ तो हमको घसकने के लिए उठाई हमको, ठीक है मेरा आंख हेवी लगल था, हाँ उठने के लिए उठाई, तब 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 बैक पे मारी ना, थोड़ा जोर से मारी थी, हाँ दो तीन बार करके, तो मेरा नींद खुला, जैसे नींद खुला तो धनबाद देखे, और ट्रेन में इतना ही दिखता है खिड़की से, हाँ ऐसे तो ऐसे झुक करके जैसे ही देखे पूरा सफेद पूरा व्हाइट, मतलब लगा कि सुबह का 6 बज रहा है, ऐसे माथा धोए खत्म हो गया, मतलब एकदम ये हो गया कि सुबह हो गया कहीं और पहुंच चुके हैं, रांची वांची कहीं पहुंच चुके हैं, तभी वो बोल रहा धनबाद पहुंचे हैं, हम लोग धनबाद पहुंचे हैं, बोला हाँ हम, और तब ऐसे जगह झांक के देखे तो देखे अच्छा अंधेरा है, अभी स्टेशन इतना झगमग झगमग कर रहा है कि लगा सुबह हो गया, हम पर ये गजब शॉकिंग हमको सही में लगा, नहीं पहुंच गया था, हमको भी आंख लग गया था अचानक से, मतलब सोचो हम 12:30 बजे सोए हैं, पापा उठा रहे हैं ना, देखो तो ट्रेन कहाँ है, एक तो हम सपना में रहते हैं, मेरा माइंड थोड़ा देर के लिए एकदम ये हो गया, फिर भी हम तुरंत याद है कि अरे अमित आ रहा है, पापा बड़ा रफ ड्राइविंग करके आए हैं, बहुत जल्दी पहुंचे, राधे राधे जय श्री कृष्ण, और कल से ये वीडियो कंटिन्यू है, और मेरा बेटा जय श्री कृष्ण आ गया बहुत अच्छे से बाबा का दर्शन करके, और अभी टाइम का आप लोगों को बताते हैं, 1 बजने वाला है, 1 बज गया है, 10:30 क्योंकि हम लोग दोनों को 3 बजे सोए थे, सुबह लेट से नींद टूटा, फिर सबका नाश्ता ये वो, तो सुबह में सिर्फ मेथी का काले लग रहे हैं, बोले नहीं सब काला लग रहा है, उसको चला दे बेटा, और यहाँ पे पूजा का आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए, और यहाँ पे रखा हुआ है सारा पेड़ा चूड़ा, ढेर सारा प्रसाद लेके आया है मेरा बेटा, लेके आया, मंगवाया कौन है, मंगवाया इसकी मम्मी मंगवाई है, पापा मंगवाए हैं, पापा इसके मंगवाया, पिछला बार 3.5 किलो पेड़ा लेके आया था ना, हाँ 3.5 किलो पेड़ा लेके आया था, घट गया था, हम लोग अच्छा से नहीं खा पाए थे, घटा नहीं था अच्छा से खा नहीं पाए, और इस बार मंगवाया है पर्सनल 6 किलो पेड़ा आया है, पर्सनल 6 किलो और अलग अलग कुछ लोग मंगवाए हैं, मंगवाए 2.5 किलो, और यहाँ पे खाना बन गया है, नाश्ता तो हम लोग का हुआ नहीं, सुबह में बनाए थे मेथी का पराठा, कस्तूरी मेथी का, तो वो हर्षित को दे दिए थे, और इसके पापा को आम आमड़ा का चटनी के साथ, 6 किलो हाँ। पर पापा का कोई भरोसा नहीं है, 6 किलो ही कम पड़ जाएगा, ये रात दाल सब्जी और भुजिया, दोनों जा रहे हैं हाँ। खाना खाने, क्योंकि मेरा बेटा को मन था दाल भात भुजिया खाने, भुजिया खाने का, भाई पता है उधर कुंदरू का भुजिया, भुजिया कैसा खिलाता था, ऐसे भी तो तुमको कुंदरू पसंद है, हाँ वही बोल रहे हैं, तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, और जो नहीं है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो में, कल की क्या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।